मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अभी बस सो गया कि मुझे हुए 8 और मैं उठ गई हूँ। अभी मैं चाय बना रही हूँ एंड रूम की क्लीनिंग चल रही है। कपड़े सुनवा रही हूँ मैं, पूरे धुले थे मैंने कपड़े एक्चुअली, और लीजा भी सुनवा रही है मेरा रूम। तो अभी चाय बनाऊँगी, घर में पूरी सब्जी आज बनी है पीजी में, वही मैं ले आई गई। सुबह का बस यही होता है, उठी गर्म पानी पिया, देन उसके बाद चाय बनाने जा रही हूँ। चाय मतलब मैंने रख दी है तो बन गई है चाय ऑलमोस्ट। एक तो दूध गर्म हो रहा है, एक चाय बन रही है, चाय बन रही है और दूध गर्म हो रहा है, दोनों गैस चल रहे हैं। तो छुट्टी है आज, का रूटीन कुछ ऐसी रहेगा। कितनी पिएगी भैंस? इसमें आएगा सुक्की, मैं बोलूं? बन जाती, थोड़ा सा और डाल। बस इतनी बहुत है ना, दोबारा कर। पिज़्ज़ा के कहने से ये चाय बन गई है, बट इसमें भी ना उबली भी नहीं है, कच्ची चाय ऐसे पी ले गई है। इन्हें लिया चाय बन गई लड़की। क्या कैमरे के गाइस, मैं नाश्ता तैयार हो गया, जो मैं चाय ले लूँ चाय। आ जाओ गाइस, आप भी नाश्ता कर लो हमारे साथ। चलो मेरे गाइस को बोलो अच्छे से कुछ। चलो गाइस जल्दी से आइए, नाश्ता करते हैं टेस्टी टेस्टी टेस्टी। अब हमारा वो पूरी वाला नाश्ता तो हो गया। ये तो हटा दे जी। क्यों कूड़ा? क्यों तेरे लोगों को ये पसंद आता है? जिंदगी में एक मैं ही हूँ जिसके साथ तेरी गाड़ी चल रही है। अच्छा, नहीं तो मेरी गाड़ी किसी के साथ चले ही ना। देख लो गाइस कैसे बोलती है मेरे को ये लड़की, ताने मारती दिन और रात। तो गाइस हमारा मतलब पूरी वाला नाश्ता होने के बाद हम कुछ फूड्स खाने का हमारा मन कर गया है, तो देखिए हम इसके बाद अब फूड्स खाते हैं। हम अच्छे बच्चे हैं बट 2 दिन के लिए सिर्फ सैटरडे संडे। उसके अलावा लीजा मरी का ऑफिस 9:30 बजे का ऑफिस है, 9:40 पे उठती है। चलो गाइस हम खा लेते हैं, बेस्ट करती है ना। गाइस मेरी अलमारी देखो, गाइस ऊपर वाले देखो, बस ये देखो, ये मैंने अभी लगाई है। कैसी लग रही गाइस? गाइस देख लो, मैं सफाई कर रही हूँ, लेकिन पीजी में ना बड़े छोटे छोटे दे रखे हैं ये सब, तो मतलब मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने मसाले वसाले यू नो रख रखे हैं कि मेरा मन करता है तो मैं बना लेती हूँ, नहीं तो पीजी में तो डेली खाना आता है। ये भी क्लीन हो गया, ये मेरे थोड़े से बर्तन हैं, ये भी धुलना है। मेरी बोतल है, कैसी लग रही मेरी बोतल? ये भी साफ करना है। हे गाइस देखो, शालू आज काम कर रही है क्योंकि मैंने उसको बोला है कि देखो तुमने कितना ज्यादा रूम गंदा कर रखा है, तो आज देख रहे हो एक एक चीज के ऊपर कपड़ा लग रहा है, बहुत अच्छे से सब कुछ संगवाया जा रहा है। ये देखो ये सब इसका है, ये सब सड़ा रखा है इसने। देखते हैं गाइस, आप बने रहिएगा, आपको दिखाया जाएगा कि इसने सफाई करने के बाद कैसा रूम बनाया है। थैंक यू गाइस। अब देखो हमारे कपड़े क्लीनिंग, अब हमने ये तो इस पर रख दिया है मतलब कंबल अपने, और ये टेबल तो ऐसे डिज ऐसी रहेगी क्योंकि ये साफ कर दिए है बर्तन लीजा ने, और मेरी अलमारी मैंने क्लीन कर दी है यहाँ से, एंड दिस वन ये भी सब क्लीन ऑल सेट, एंड ये मेरा बेड और ये लीजा का बेड सब क्लीन कर दिया। अब हमारा रूम बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। ड्रेस बनवानी है क्यों? हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं दिल्ली घूमने, बट डिसाइडेड नहीं कि हम कहाँ जाएंगे। लेट्स सी, अब बने रहिएगा, मैं बताऊंगी हम कहाँ जाएंगे, उसके बाद मैं व्लॉगिंग वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, ये अनन्या यू नो, और ये लीजा गई थी कहीं पे, लीजा से हाय। यहाँ पे गाइस हम टिकट लेने की तैयारी कर रहे थे बट मिल नहीं रही थी, तो मुझे बोल नहीं रही थी, तो मेट्रो में बैठी थी, यहाँ पे मेट्रो दिखा रही थी, कम भीड़ थी, आते टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वो भी मैं दिखाऊंगी कितनी ज़्यादा भीड़ थी। तो बता दूँ गाइस आपको कि हम जा रहे थे लाजपत नगर की मार्केट फर्स्ट टाइम। मैं चलने की बिल्कुल तकलीफ नहीं करूँगी।
चक्कर वो क्षुधा मंदिर है क्या? नहीं यस। तो फिर मैं ये तो पूछ रही थी जी बेबी, आई एम सो सॉरी। अक्षरधाम मंदिर गाइस, मेरी आवाज कैसे जाएगी फिर उसमें अगर धीरे बोलूंगी तो? मुझे ओवर लैपिंग करनी पड़ेगी, बहुत काम है, ऐसे नहीं कर सकती ना। अक्षरधाम में काम से जा रहे हैं। तो अभी कितने स्टेशन बचे हैं? हाउ मच, हाउ मेनी? तीन स्टेशन, ओनली थ्री आर लेफ्ट। गाइस हम आ गए लाजपत नगर के मेट्रो स्टेशन पे, हम उतर गए हैं। अब यहाँ से हम जाएंगे लाजपत नगर की मार्केट में एंड सुंदर नर्सरी के लिए। ये सूट है यहाँ पे, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मैं शूट कर लूँ? आप भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। गाइस मैंने यहाँ पे शूट किया है, इसे बोली नहीं मैं, लेकिन इसमें ना शादी, जिसकी नई नई शादी होने वाली हो, शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छी मार्केट है। बट हमारे जैसे कि मतलब डेली यूज के कपड़े ले सकते हैं, बट ब्रांडेड तो हमें शोरूम से लेने पड़ेंगे। लेकिन जिसकी शादी आने वाली है, उसके छोटे मोटे फंक्शन के लिए या फिर शादी के लिए, तो बेस्ट है ये मार्केट। में तो फर्स्ट टाइम गई थी, लीजा मेरे को लेके गई थी, लीजा की फ्रेंड लीजा को लेके गई थी, लीजा भी नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम ही लीजा गई है मेरे साथ ही। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, और ये है इंसेंस, ये फेमस है, मतलब अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पे गर्ल्स के लिए। एंड अगर किसी की शादी हो तो बहुत ही अच्छी मार्केट है शॉपिंग करने के लिए। गाइस ये ज्वेलरीज जो होती है डायमंड जैसी लगती है, ये बहुत ही रीजनेबल प्राइस में थी यहाँ पे, 250, 200, 150 रुपए में। तो मैं एक ही करके शो दिख कर रही हूँ आपको, देखिए कितने सस्ते, जैसे इससे प्राइस लिख रहे हैं ना 450, तो इसमें भी थोड़ा सा कम कर लेंगे लोग। इयर रिंग्स हो गए, ज्वेलरीज हो गई, तो काफ़ी सस्ता था। फैमिली फंक्शन हो या शादी हो, उसके लिए बेस्ट है ये मार्केट, मुझे तो बेस्ट लगी। मतलब कि मुझे लगता था कि ये सब चीज़ें बहुत ही महंगी आती हैं, फर्स्ट टाइम देख रही थी तो मुझे तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस में बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपके घर में शादी है या फिर कहीं जाना है आपको किसी फंक्शन में, तो आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये 350 लिखा हुआ था, ये 300 का प्राइस में हमारे सबसे कम आगे देख लिखे हुए ना, उनके प्राइस देख लेने जाके कोई भी आइटम उठा के, उन्होंने क्या लिख के रखा और हमने क्या लिख के रखा। ये छोटू वाले इयर रिंग्स है ना, इयरिंग ना, रिंग बोल नहीं, इसके साथ भी रिंग नहीं है, इनमें भी नहीं मिल जाएगी रिंग, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उसके साथ ही मिलेंगे, इनके साथ ही मिलेंगे ऐसे वालों में, जो कलर मिल इसके रिंग नहीं है वाला। ये वाले सेट कितने का आते हैं? इस ये वाले 1500 का होगा, 1500 ये 1250 का है, वो 1250 कलर सभी मिल जाएंगे आपको। ये फ्रेश होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, इनका कलर थोड़ा वैसा हो रहा है, मार्केट में 5 रुपए कम होगा रेट पता करने के बाद। ये लीजा दीदी की, एलिजा की फ्रेंड है, इन दीदी ने ये वाले इयर रिंग्स लिए थे, 250 के बताए थे, बट वहाँ पर 100 रुपीज़ के लगे, तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे मेरे को, मतलब 100 रुपये में क्या याद था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। स्टार्टिंग रेट सबसे सस्ता वाला, सबसे सस्ता 150 की स्टार्टिंग है यहाँ पे, से स्टार्टिंग है, 41 से स्टार्टिंग है। कितने से? 700 ये मोबाइल की बहुत सारी है ना, मोबाइल कवर की। वो अच्छा लग रहा है, वो जो लगा के लीजा, अब ये स्टार्ट, तू भी डांट लीजा, वीडियो बन नहीं रही थी बाबू, मुँह बेकार हो गया। गाइस ये देखो कैसा लग रहा है, बहुत ही प्रिटी।
मेरे साथ यही होता है। भैया कितने का है? दिस इज अ बैग शॉप, स्टार्टिंग में थोड़े कम प्राइस से ही होगी आई थिंक सो। और ये भी बैग्स है लीजा, 700 रुपए का सेल लगा, कोई कम नहीं लगा। सेलिब्रिटी किस तरीके की पर्स कैरी करते हैं ना, वो सारे यहाँ है देखो, है ना। लीजा भाई कितने कितने का है? 400 रुपए का ये जूते, 400 ये 250, ये 250, 400 रुपए के 400। ये ले लीजो, तेरा जैसे लग रहा, तेरा महंगा दे। हाँ गाइस, हम खा रहे वड़ा पाव, छोले कुलचे एंड पाव भाजी। पाव भाजी इसकी, वड़ा पाव मेरा, छोले कुलचे दीदी के। एंड मैं भी एक्साइटेड। क्या है ये मेट्रो स्टेशन? बहुत बड़ा, ओ मेट्रो तो आ रखी है पहले ही सही। तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा हमें आज लाजपत नगर की मार्केट आके, बट हाँ तब आएंगे जब हमें कुछ काम होगा, बल्ले एक जैसे शादी है किसी की तो ही यहाँ पे आने का फायदा है। हम डेली यूज करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आना है, फ्रेंड साइकिल पे घूमना है, तो ये भी बेस्ट है। एंड स्पेंड करने के लिए अपना बहुत अच्छा, और मैंने बहुत सारा खाया है क्योंकि मैंने यहाँ पे बिगड़ा दिया है, मैं सब बता देती हूँ। तो गाइज हम आ गए हैं लाजपत नगर मार्केट से शॉपिंग करके, जो वैसे लाए तो कुछ नहीं हम, मतलब सबने लिया है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान खाया है हमने, हमने खाया पिया और मस्ती भी खूब की है। हाँ राइट, एंड ली कह रहे तो कुछ भी नहीं लिया, मैंने लिया है जो कुछ लिया है। ये कुछ नहीं थी, इसके बारे में बताऊंगी अभी।